नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीमेल अकाउंट कैसे बनाएं। उसके लिए हमें क्रोम में जाना होगा, सबसे पहले लिखना होगा जीमेल में, जीमेल लिखना होगा। जीमेल के बाद हमें लॉगिन करना होगा। ये मेरी पुरानी आईडी ओपन हो गई है, इससे मैं एग्जिट करता हूँ। फिर मैं आपको क्रिएट करके बताऊँगा कि जीमेल में अकाउंट कैसे बनाएं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। उसके लिए हमें सबसे पहले क्रिएट अकाउंट में जाना पड़ेगा। फिर माई सेल्फ या बिजनेस के लिए अकाउंट चाहिए तो बिजनेस में जाके उस, या माई सेल्फ या अपने आपके लिए चाहिए तो माई सेल्फ। जैसे मुझे नाम लिखें करे आज, पहले डेस्कटॉप साइट खोल देता हूँ मैं, एक मिनट। करें आज बेहतर बेहतर, ये देखिए दोस्तों ये लिखना है आपको। अपना जो भी चैनल है या आपको अपने नाम से आईडी बनानी है उसके आगे कुछ लगा दीजिए। जैसे मैंने 077 लगाया, पासवर्ड 8 अक्षरों का होना चाहिए और उसमें न्यूमेरिक और लेटर सभी प्रकार के सिंबल भी होने चाहिए। देखिए मैं अभी छोटा पासवर्ड डालता हूँ, इनकरेक्ट बताएगा। देखिए मैच नहीं हो रहा है पासवर्ड, दोबारा से देख लेते हैं इसे। ये आइज वाले निशान से आप इसे सो भी देख भी सकते हो कि आपने ऊपर क्या पासवर्ड डाला है, उसी हिसाब से आप ये देखिए नेक्स्ट करिए इसे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे ये आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, एक जीमेल आईडी मांगेगा। जैसे कि मैं अपनी डाल देता हूँ sumit123@gmail.com। अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ जो भी आपकी है, जैसे मैंने 1992 और यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हो। नेक्स्ट करना है, एग्री आई एग्री में जाना है और यहाँ पे आपकी जीमेल आईडी तैयार हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आपकी जीमेल आईडी बनकर तैयार हो चुकी है। थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों खुलने में से, थोड़ा सा नेट स्पीड काफ़ी स्लो चल रही है, एक मिनट रुके दोस्तों देखते हैं, एक मिनट। ये देखिए अपडेट द जीमेल ऐप, ये अपडेट करने के लिए बोल रहा है मुझे। मैंने अपडेट नहीं करा एक्चुअली अपना ये क्रोम काफ़ी दिनों से। ये देखिए ओपन हो चुका है। ये देखिए काफ़ी छोटा दिख रहा होगा दोस्तों आपको। ये देखिए डेस्कटॉप साइट बंद करके मैं इसे देखिए अब सही दिख रहा होगा। मिनट ये देखिए दोस्तों, ये जो पेंसिल वाला निशान आपको दिख रहा है यहाँ से आप मेल किसी को सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो। देखिए गूगल टीम का मैसेज आया मेरे पे, यहाँ पे देखिए इनबॉक्स है, सेंट आइटम ड्राफ्ट इम्पोर्टेंट जो भी आप। ये देखिए इसमें काफ़ी सारे आप ड्राफ्ट में ड्राफ्ट भी है इसमें। और ये देखिए पैक करते हैं एक मिनट, क्या बैक करते हैं, ये देखिए बैक करते हैं डेस्कटॉप साइट चले गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों कि ये मैंने अपडेट नहीं कराया। ये देखिए यहाँ से आप ये देखिए मेल भेजने का था कट हो गया, एक मिनट गया जरा, एक मिनट में देखता हूँ उसे सेटिंग। ओके वेरिफिकेशन, ओके 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 थोड़ा सा नेट काफ़ी स्लो चल रहा है मैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ रही है। नेट ज़रा देखता हूँ मैं इसमें। यहाँ से आप अपना अकाउंट देख सकते हो, अपनी जीमेल आईडी। जैसे आपको फ्रेंड को भेजनी है तो उसे ये जीमेल आईडी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अपने फ्रेंड को भेज सकते हो कि ये मेरी जीमेल आईडी है।
देखिएगा, ये देखिए खुल गई ये मेल, डेस्कटॉप साइड ये देखिए। यहाँ पे आपको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आपको टू, मैं एक मिनट इसमें यहाँ पे टू, जैसे मुझे सुमित अपनी आईडी में मेल भेजती हैं, sumit123@gmail.com सब्जेक्ट में हाय लिख दिया, मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ से हेलो लिख दिया, सेंड कर दिया, लिख दिया हेलो टू, यहाँ से सेंड करेंगे हम। ठीक है, इससे मैं छोटा कर देता हूँ, देखिए थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है मेरा, आई हैव नो मेल। देखिए मेल मेरे पे कोई भी मुझे रिसीव नहीं हुई, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखना है मैं sumit123@ और सी सी में आपको जिसे इस मेल के साथ रखना है उसे भी सी सी में रख सकते हैं, और रिसेंट सी सी एक और सी सी में आप सी सी में रख सकते हो, और अटैच भी यहाँ से भी आप किसी को सी सी में रख सकते हो, और सब्जेक्ट में आप जैसे हाई लिखा, और यहाँ पर मैसेज में आपको जो भी लिखना है, जैसे मैं हाई लिख रहा हूँ, और अटैच फाइल आपको कुछ अटैचमेंट भेजना है, खींच के भेजना है कैमरे से, नहीं तो फाइल से भेज सकते हो, जैसे ये देखिए मैं जैसे ये फोटो क्लिक करके अपने दोस्त को सेंड करता हूँ यहाँ से, ये देखिए अटैच हो रही है फाइल, 2 MB की फाइल है, थोड़ा टाइम लेगा, नेट स्पीड काफ़ी स्लो चल रहा है फिलहाल, जियो के साथ यही प्रॉब्लम है। ये देखिए आउटडोर में जिम आउटडोर में दिखा रहा है, आउटबॉक्स में मेरी मेल है, आउटबॉक्स में मेरी मेल, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ उसे, रिफ्रेश करता हूँ एक मिनट, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ये सेंड मेल में चले जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर आपकी मेल सेंड हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये सेंड मेल में दिखेगी आपको, अभी आउट बॉक्स में ये देखिए दोस्तों, काफ़ी स्लो स्पीड आ रही है नेट की, इसलिए पेज ओपन नहीं हो पा रहा है, एक मिनट रुकेगा जरा। देखते हैं, रुक जाइए एक सेकेंड, सेकेंड दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है, लोड हो रही है जीमेल, और चाहिए एक सेकेंड में लोड, ये देखिए लोड हो रही है, दोबारा से जीमेल लिखता हूँ उसमें, मैं जीमेल में जाता हूँ दोबारा से, क्योंकि टाइम ले रहा है काफ़ी, नेट भी स्लो चल रहा है, एक सेकेंड रुकेगा ज़रा, ये देखिए दोस्तों मैं अब देखिए अभी ये मेल सेंड हो चुकी है, ये देखिए सेंड मेल में जाके, ये देखिए मैंने हाई भेजा था, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप फॉरवर्ड रिप्लाई ऑल भी कर सकते हो, डिलीट मेल कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि फेसबुक में अकाउंट कैसे बनाएं। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।